यूक्रेन की तरफ से सेवेरोडोनेट्स में रूस के खिलाफ लोहा लेते ज़ेलेंस्की के सैनिकों का एक वीडियो जारी किया। कुछ रोज पहले ही रूस की सेना ने इस शहर पर पूरी तरह से कब्जा करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि अभी भी उसके सैनिक शहर में रूसी सेना के सामने डटे हुए हैं और उन्हें हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। अपने इस दावे को सही साबित करने के लिए यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें यूक्रेन के सैनिक पुतिन की फौज पर कहर बनकर टूटते दिखाई दिए। जो वीडियो जारी किया गया उसमें शहर के अलग अलग हिस्सों में यूक्रेन के जवान रूसी सेना पर ताबड़तोड़ हमले करते दिखे। वीडियो के एक हिस्से में यूक्रेन का एक जवान कंधे पर रखकर रॉकेट लॉन्चर चलाता नजर आया। इसी तरह ज़ेलेंस्की के सैनिक खंडहर हो चुके मकानों में छिपकर रूसी सेना को करारा जवाब देते दिखे। कहीं मशीन गन से हमला किया गया तो कहीं टैंकों से गोले बरसाकर रूसी सेना को पीछे जाने पर मजबूर कर दिया गया। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी खबर रामपुर से सामने आ रही है। यूपी के रामपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, ट्रक और बस की टक्कर हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के रामपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बस और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बड़ा सड़क हादसा उत्तर प्रदेश के रामपुर में, बस और ट्रक की जोरदार टक्कर जिसमें 5 लोगों की मौत, जबकि इस हादसे में 22 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अपने आप में ये समझा जा सकता है कि कितना बड़ा ये हादसा है। उत्तर प्रदेश के रामपुर से ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रक और बस के बीच जोरदार टक्कर हो गई, 5 लोगों की मौत की खबर है और साथ ही 22 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। यूक्रेन में चल रही जंग के बीच चीन को डराने के लिए अमेरिका ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। अमेरिका ने अपने वो फाइटर जेट चीन के खिलाफ उतार दिए हैं जो रडार की पकड़ में नहीं आते हैं। ये चीन के लिए बहुत इमरजेंसी जैसे हालात हैं, क्योंकि चीन के पास अमेरिका के इन फाइटर जेट का कोई पुख्ता तोड़ नहीं है। वो जहाज है जिनकी ताकत के आगे दूसरा कोई फाइटर जेट नहीं टिकता। ये वो जहाज है जो अगर मिलकर काम करें तो दुनिया की हर एयरफोर्स कमजोर साबित होगी, उसकी हार तय होगी। ये वो जहाज है जिनकी फायर पावर का अंदाजा उनका शिकार ही समझ सकता है, वो भी तब जब उन्हें ये नजर आए, क्योंकि ये है दुनिया के सबसे खास स्टेल्थ विमान। ये है वो फाइटर जेट जो अदृश्य होकर हमला करते हैं। ये वो लड़ाकू विमान है जिनकी एक स्क्वाड्रन भी दुश्मन की पूरी फ्लीट को खत्म कर सकती है। ये वो हवाई दैत्य हैं जो हमला करते वक्त नजर नहीं आते। ये ऐसी एयर पावर कहे जाते हैं जिनका मुकाबला करने वाला अभी तक कोई विमान तैयार नहीं हुआ है। इन फाइटर जेट्स का 100% गारंटी वाला तोड़ ना अभी रूस के पास है, चीन तो अभी बहुत ही पीछे है, और यही वजह है कि इन विमानों को लेकर इस वक्त चीन सबसे ज्यादा दहशत में है। इसकी सबसे बड़ी वजह जान लीजिए, क्योंकि इनकी फॉर्मेशन वाली उड़ान ने शी जिनपिंग की नींद उड़ा दी है। तो देखिए अमेरिका और जापान के कौन कौन से फाइटर जेट इस वक्त चीन और रूस को बहुत बड़ा चैलेंज देने के लिए तैयार हैं। ये है अमेरिका, या कहें कि दुनिया का सबसे खतरनाक रेडार की पकड़ में ना आने वाला स्टेल्थ जेट F-22। दूसरा है F-35। ये अमेरिका का दूसरा ऐसा स्टेल्थ जेट है जो जापान के पास भी है। इसके अलावा जापान के ही F-15 और F-2 फाइटर जेट। इन 4 विमानों की एक्सरसाइज ने चीन के होश उड़ा दिए। अमेरिका के फाइटर प्लेन्स उड़ जरूर जापान की सीमा में रहे थे, लेकिन उन्होंने नींद शी जिनपिंग की उड़ा दी, क्योंकि इस एक्सरसाइज में 50 से ज्यादा विमान शामिल थे और वो भी हाईटेक। इन 4 विमानों ने जापान और उसके आसपास ऐसा क्या किया जिससे चीन परेशान हो गया? अब इसे समझने के लिए आपको मैप पर दिखाते हैं इन फाइटर जेट्स का डराने वाला फ्लाइंग पार्ट जिसने शी जिनपिंग के कान खड़े कर दिए हैं। ये विमान एक साथ आए और अब तक की सबसे बड़ी एयर ड्रिल की, जिसे चीन के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हवाई गठबंधन कहा जा रहा है।
ये विमान फॉर्मेशन बनाकर तीन बड़े समुद्री इलाकों के ऊपर गुजरे। इनकी उड़ान जापान से शुरू होने के बाद जापान सागर से गुजरते हुए प्रशांत महासागर के बड़े इलाके में पहुंची और वहां से पूर्वी चीन सागर के ऊपर उड़ते हुए ये फाइटर जेट वापस जापान की तरफ लौट गए। चीन के करीब आकर लौट जाना ये करीब 2,500 किलोमीटर के दायरे में उड़ान थी। ये ताकत दिखाकर अमेरिका और जापान ने चीन को एक बार फिर बहुत ही मजबूती के साथ चैलेंज किया है। अमेरिका और जापान दिखाना चाहते हैं कि इस इलाके में आसमान पर सिर्फ उनका कब्जा है और कोई इसमें सेंध नहीं लगा सकता। F-22 और F-35 को इसमें शामिल करके अमेरिका और जापान ने ये साबित करने की कोशिश की है कि चीन के पास इसका कोई जवाब नहीं है। इस एक्सरसाइज में 50 से ज्यादा विमान शामिल हुए जो अपने आप में चीन को डराने की कोशिश कही जाएगी। इनमें अमेरिका से 12 F-22 शामिल हुए, 4 F-35 भी रहे, 13 F-15 भी शामिल हुए, जबकि जापान की तरफ से 20 F-15 और F-2 फाइटर इस युद्धाभ्यास का हिस्सा रहे। ये सभी जहाज टीम बनाकर एक दूसरे के खिलाफ उतरे ताकि चीन या रूस के किसी भी हवाई जहाज का जवाब दिया जा सके। इनके साथ टोही और रिफ्यूलर जैसे फोर्स मल्टीप्लायर भी थे जिनकी मदद से दुश्मन को ट्रैक करना और एक लंबी दूरी के मिशन को अंजाम दिया जा सके। इन सभी बातों की प्रैक्टिस की गई। अमेरिका और जापान ने इसकी तैयारी लंबे वक्त से की थी, यही वजह है कि ये युद्धाभ्यास 4 दिन तक किया गया। सबसे पहले ये विमान 6 जुलाई को उड़े, फिर ये युद्धाभ्यास 11 जुलाई को भी हुआ। इसके बाद अगले दिन 12 जुलाई को भी ड्रिल हुई, जबकि 14 जुलाई को भी इन विमानों के बीच युद्धाभ्यास हुआ। ये एक्सरसाइज इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि अब जापान के आसपास चीन और रूस के वॉरशिप लगातार गश्त कर रहे हैं और इसे जापान अपने लिए बड़ा खतरा मानता है। यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया के इस इलाके पर भी जंग के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद से चीन की नेवी जापान के आसपास काफी मंडराने लगी है। ताइवान के बाद चीन का जापान के आसपास एक्टिव होना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और इसका ऐलान तो चीन की सरकारी मीडिया लगातार कर रही है। अमेरिका के फाइटर प्लेन्स की एक्सरसाइज के बाद चीन में हड़कंप मच गया और उसने जापान के आसपास चाइनीज नेवी की गतिविधियां बढ़ा दी और अपने 5वीं जनरेशन के फाइटर प्लेन को तैनात कर दिया। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने छापा है कि जापान के आसपास चाइनीज नेवी की गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं और अब ऐसा जारी रहेगा। इस रिपोर्ट में चीन के टाइप 55 जहाज देखे जा सकते हैं। ये चीन की दादागिरी का सबूत है जिसे लेकर अमेरिका और जापान का परेशान होना लाजमी है क्योंकि चीन अब लगातार जापान की समुद्री सीमा के आसपास ऐसे ही बड़े बड़े जंगी जहाज भेज रहा है। चीन का मकसद एक ही है, वो जापान को भड़काना चाहता है और अमेरिका को दिखाना चाहता है कि चाहे दोनों मिलकर कितने भी ताकतवर हो, चीन उनको टक्कर देने के लिए तैयार है। दरअसल यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद शी जिनपिंग की फौज लगातार अपने लिए भी ऑप्शन तलाश रही है और ताइवान के साथ जापान उसके लिए सॉफ्ट टारगेट बन जाएंगे, ऐसा चीन की सेना को पूरी उम्मीद है। लेकिन क्या चीन के इरादे इतने आसानी से पूरे हो सकते हैं? इसके लिए अब आपको अमेरिका और जापान का मिला जुला चैलेंज देखना चाहिए। 80 के दशक में तैयार किया गया अमेरिका का F-22 स्टेल्थ फाइटर जेट आज भी दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान माना जाता है। ये 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है जो स्टेल्थ तकनीक से बना है और ये रेडार पर नजर नहीं आता। इस पर AIM-260BVR मिसाइल लोड होने के बाद तो इसकी ताकत और बढ़ जाएगी, जिससे निपटना चीन के लिए मुश्किल होगा।
पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका ने अपने F-22 रैप्टर विमान में जो मिसाइल लोड की है वो लंबी दूरी तक मार कर सकती है। F-22 इसलिए बहुत खास माना जाता है कि अमेरिका ने जब ये विमान बनाया तो उसने इसे अपनी एयरफोर्स को लैस करने के अलावा किसी और देश को नहीं बेचा, यानी चीन के पास इस विमान के बारे में बहुत कम जानकारी है और इसका मुकाबला करने के बाद उसका J-20 भी बहुत भरोसेमंद फाइटर जेट नहीं माना जाएगा। अमेरिका के पास 180 से ज्यादा F-22 विमान है और करीब 35 साल बाद भी ये विमान अमेरिका की एयरफोर्स का सबसे खास जेट फाइटर बना हुआ है। ये यूरोप में तैनात है, जापान में भी तैनात रहता है और इस वक्त इसका सबसे बड़ा चैलेंज चीन ही नजर आ रहा है। चीन को लगता है कि ताइवान मुद्दे के अलावा जापान के साथ आकर ये सभी देश उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। 加法崩溃，是为美国的霸权私利服务。美国一贯将国际法凌驾于国际法之上，对国际规则合则用，不合则弃。这是对国际社会的最大，这是对国际秩序的最大破坏。我们正告北约，放下。 अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ ये युद्धाभ्यास किया, तब कुल मिलाकर 20 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। युद्धाभ्यास के जरिए अमेरिका ने चीन को साफ संदेश देने की कोशिश की कि वो इलाके में किसी को अकेला समझने की कोशिश ना करे। चीन और रूस से जापान भी परेशान है क्योंकि दोनों उसके खिलाफ साथ खड़े हुए हैं। पूर्वी चीन सागर में सेनकाकू द्वीप और उत्तर की तरफ कुरील द्वीप को लेकर जापान को इन दोनों से टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका को भी लगता है कि रूस और चीन का गठबंधन इस इलाके में जापान से ज्यादा उसके वर्चस्व को चुनौती दे रहा है, इसलिए अमेरिका अब जापान के साथ लगातार युद्धाभ्यास वाली रणनीति अपना रहा है ताकि वो चीन और रूस दोनों को दूर रख सके। Alignment with Russia. Now, what you hear from Beijing is that it claims to be neutral. I would start with the proposition that it's pretty hard to be neutral when it comes to this aggression. There's a clear aggressor, there's a clear victim. इससे पहले दक्षिण कोरिया और अमेरिका का एक युद्धाभ्यास चीन और उत्तर कोरिया को हैरान कर चुका है, जब दोनों वायुसेनाओं के जहाज इसी अंदाज में चीन और उत्तर कोरिया को चैलेंज कर चुके हैं। तब ये सब कैसे हुआ, बहुत गौर से देखिएगा। एशिया के एक सीक्रेट एयरबेस से सबसे खतरनाक फाइटर जेट निकला जिसे दुनिया F-35 के नाम से जानती है। ऐसे एक नहीं, दो, तीन, चार और पांच F-35 स्टेल्थ जेट टेक ऑफ के लिए तैयार हुए और फिर सब एक के बाद एक टेक ऑफ करते हैं। ये दक्षिण कोरिया के फाइटर जेट हैं, जिन्होंने US एयरफोर्स के साथ मिलकर एक स्पेशल मिशन को अंजाम दिया। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका के F-16 भी शामिल हुए। ये दुनिया का सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट माना जाता है। अमेरिका इस वक्त जापान के साथ भी इसी अंदाज में युद्धाभ्यास कर रहा है। और इसमें F-22 के साथ F-35, F-16 और F-15 फाइटर जेट भी शामिल हो रहे हैं। ये चारों अमेरिका में तैयार हुए बहुत ही खतरनाक डॉग फाइटर माने जाते हैं। एशिया में दक्षिण कोरिया और जापान को जलाने वालों के खिलाफ अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी जहाज लगातार एक्टिव है। सवाल उठता है कि क्या बहुत ही खतरनाक युद्ध की स्टेज सज चुकी है। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया की ये बेहतरीन और बहुत ही खतरनाक वॉर मशीन अगर युद्ध के वक्त साथ आ जाएं, तो चीन इस चैलेंज का सामना कभी नहीं कर पाएगा। इस ताकत को दिखाने के लिए अमेरिका अब जापान और दक्षिण कोरिया के साथ फॉर्मेशन वाली उड़ान भी भर रहा है, जिसमें एक तो नहीं बल्कि 18-18 जहाज एक साथ उड़ रहे हैं। इसमें F-15 भी है, इसमें F-16 भी है और इसमें F-35 भी है। ये फॉर्मेशन किसी भी दुश्मन के होश उड़ा सकती है।
जिसके आसमान की तरफ ये फॉर्मेशन बढ़ेगी उसको दिन में ही तारे नजर आने लगेंगे। आसमान में इतने जहाज एक साथ, वो भी दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट्स की ये फॉर्मेशन उड़ा किसी भी एयरफोर्स को सोचने पर मजबूर कर देगी कि वो इनसे टक्कर ले कि नहीं। जब अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ ये युद्धाभ्यास किया तो कुल मिलाकर 20 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। इसमें 16 जहाज दक्षिण कोरिया के थे जिसमें F-35 और F-15 थे, जबकि अमेरिका की तरफ से F-16 शामिल हुए। ये तीनों बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट माने जाते हैं और इनकी उड़ान का सबसे बड़ा मकसद था उत्तर कोरिया और चीन की वायुसेना को दिखाना कि वो इस इलाके में किसी को अकेला समझने की कोशिश ना करे, क्योंकि किम जोंग उनको डराने के लिए अब अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने कमर कस ली है। किम जोंग की न्यूक्लियर ड्रीम को बैकफुट पर लाने के लिए ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया का प्लान बी कहा जा सकता है। यूक्रेन युद्ध के बाद जो परमाणु हमले का डर यूरोप में दिखाया जा रहा है, ऐसा ही कुछ माहौल अब चीन और आसपास बन चुका है। हालात इतने गंभीर हैं कि परमाणु बॉम्बर्स की नुमाइश आम हो गई है और इसमें चीन और रूस भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस इलाके में डर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि किम जोंग ने सिर्फ 2022 में पहले 5 महीनों के अंदर ही 18 बैलिस्टिक मिसाइलें टेस्ट कर ली है। किम जोंग से निपटने के लिए इस वक्त अमेरिका के साथ दक्षिण कोरिया भी है और जापान भी साथ आ गया है। किम जोंग के लिए ये बहुत फिक्र वाली बात है क्योंकि तीनों देशों ने किम जोंग के आसपास बड़ा पहरा बैठाने के हर विकल्प को तैयार कर दिया है और आजमाना भी शुरू कर दिया है।